वही चरोदा में रेलवे इंस्टीट्यूट भवन BMY में छत्तीसगढ़ निर्माण मजदूर महासंघ का दो दिवसीय प्रदेश का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में प्रदेश भर के सभी जिलों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, साथ ही प्रदेश संगठन के विस्तार को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई। इसके अलावा आगामी दो वर्षों के लिए संगठन की रणनीति तय की गई है। अधिवेशन में असंगठित क्षेत्र में निर्माण मजदूरों की विवाह योजना सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन के प्रदेश प्रभारी योगेश दत्त मिश्रा ने कहा है कि पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। ऐसे में तमाम लोगों की राय से मजदूरों की समस्याओं को लेकर 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसे राज्य शासन को भेजकर आग्रह किया जाएगा। कल से हमारे प्रमुख कार्यकर्ता प्रदेश भर के यहाँ आए हुए हैं, जिनसे हमारी चर्चा विचार विमर्श चल रही है। जो निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के 4-5 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। उन प्रस्तावों को यहाँ इस सदन की मंजूरी दिला करके राज्य शासन को भेजा जाएगा और राज्य शासन से आग्रह किया जाएगा कि उन प्रस्तावों के अनुरूप वो नीतियाँ बनाकर इस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के विकास की, उनकी सामाजिक सुरक्षा की चिंता करें।